लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में 1 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए उद्यानों में सैर सपाटा और जॉगिंग पर पाबंदी है, फिर भी कुछ लोग इन कड़े नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। आज नवी मुंबई महानगर पालिका ने ऐसे 25 लोगों के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई की है। ये लोग ऐरोली और नेरुल के वंडर पार्क के पास जॉगिंग करते हुए पाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंधों के लिए ब्रेक द चेन अभियान जारी है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कोविड निर्देशों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। नवी मुंबई महानगर पालिका ने आज ऐसे ही 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मनपा के विशेष दस्ते ने नेरुल के वंडर पार्क इलाके में मॉर्निंग वॉक करते हुए 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि ऐरोली सेक्टर 14 में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 22 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दरअसल मनपायुक्त अभिजीत बांगर ने एक दिन पहले ही नवी मुंबईकरों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया था। उन्होंने सख्त चेतावनी दी थी कि यदि ऐसे लोग मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करते हुए पाए जाएंगे तो उनका उसी स्थल पर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव मिले तो सीधे कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। टेस्ट का खर्च भी ऐसे लोगों से ही वसूलने का प्रावधान किया गया है। उम्मीद है नवी मुंबईकर बढ़ते कोरोना को रोकने में मनपा के लिए मददगार बनेंगे। जे ऍक्टिव लोक आहेत ते घराच्या बाहेर पडतात। इसेन्शियल गोष्टीसाठी आपण घराच्या बाहेर पडत असाल तर हरकत नाही, पण मॉर्निंग वॉक, इव्हनिंग वॉक या गोष्टीसाठी जर कोणी बाहेर पडत असेल तर त्या गोष्टी आम्हाला फार कडक पद्धतीने हँडल कराव्या लागतील। आम्ही आता महानगरपालिकेच्या वतीने आणि पोलीस प्रशासनाच्या वतीने पथकं नियुक्त केलेली आहेत। सकाळी आणि सायंकाळी ती पथकं कार्यरत आहेत। या पथकांच्या माध्यमातून मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या लोकांवरती सुद्धा कारवाई करायला सुरू केलेली आहे, कारण संचारबंदीच्या कालावधीत या ॲक्टिव्हिटीज परमिसिबल नाहीत। आज आम्ही 25 लोकांवरती गुन्हा दाखल केलेला आहे। आणि त्याचबरोबर महानगरपालिकेने आता असा निर्णय घेतलेला आहे की जर मॉर्निंग किंवा इव्हनिंग वॉकला कुणी अनावश्यक, म्हणजे ऑफकोर्स वॉक इज नॉट परमिसिबल प्रेझेंटली, जर अनावश्यक कुणी बाहेर पडलेलं आढळलं तर ऑन द स्पॉट त्यांची अँटीजन टेस्ट केली जाईल, आणि जर कुणी पॉझिटिव्ह आढळलं तर त्यांना कंपल्सरीली आमच्या फॅसिलिटीमध्ये आयसोलेट केलं जाईल। तर या बाबतीमध्ये नागरिकांनी सहकार्याची भूमिका ठेवावी अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।